हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, इंस्टाग्राम पे अगर आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया है, चाहे वो आपका फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर है या किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है और आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पे उसका पोस्ट देखना, उसका फोटो देखना या उसका फॉलोअर्स देखना, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे कि बिल्कुल ही इजिली इंस्टाग्राम पे ब्लॉक अकाउंट का आप पोस्ट कैसे देख सकते हैं। और दोस्तों, हो सकता है कि किसी पर्सन ने आपको ब्लॉक नहीं किया हो बल्कि उसने अपना अकाउंट ही डिलीट कर लिया हो, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका वो भी क्लियर हो जाएगा कि सामने वाला इंसान आपको ब्लॉक किया है या अपना अकाउंट ही इंस्टाग्राम से हटा लिया है, उसे डिलीट कर दिया है। तो दोस्तों ये दोनों चीज इस वीडियो में आप जान पाएंगे, तो वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिए। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और वहीं पे आपको सारा प्रोसेस बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। अब आपको क्या करना है, आपको अपना सिंपल इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है हमारा प्रोफाइल है। तो चलिए हम पहले आपको बताते हैं कि इंस्टाग्राम पे अगर आपको किसी ने ब्लॉक किया है तो कैसे पता लगाएंगे कि सामने वाला इंसान आपको ब्लॉक किया है। तो देख सकते हैं ये हमारा एक अकाउंट है इंस्टाग्राम का। अब चलिए एक और हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है यहाँ पे। चलिए ये भी हमारा जो है दूसरा अकाउंट है इंस्टाग्राम का, देख सकते हैं। चलिए हम इसे ब्लॉक करके दिखाते हैं। तो थ्री लाइंस पे जाएंगे, यहाँ पे एक ब्लॉक का ऑप्शन है, ब्लॉक अकाउंट पे जाएंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो है दो तीन लाइंस लिखा हुआ है कि दे वॉन्ट बी एबल टू मैसेज यू और फाइंड योर प्रोफाइल और कॉन्टैक्ट ऑन इंस्टाग्राम। मतलब कि दोस्तों आपको जो है ये अब आपको मैसेज नहीं कर पाएगा और इंस्टाग्राम पे आपको ये खोज नहीं पाएगा, ठीक है। दूसरा है कि दे वॉन्ट बी नोटिफाइड दैट यू ब्लॉक देम, मतलब जब आप इसे ब्लॉक करेंगे तो उसे नोटिफिकेशन भी नहीं जाएगा कि आपने इसे ब्लॉक किया है। तो इससे दोस्तों साफ हो गया कि सामने वाला इंसान को पता नहीं चलता है कि उसने ब्लॉक कर दिया है। उसके बाद नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, यू कैन अनब्लॉक देम एनी टाइम इन सेटिंग्स, मतलब कि आप इसे किसी भी टाइम जो है सेटिंग्स में जा करके अनब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए हमें जो है इसे ब्लॉक करना है, तो सिंपल ब्लॉक वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब जो है ये अकाउंट हमारा ब्लॉक हो चुका है। अब सिंपल चलिए इस वाले अकाउंट को हमें ओपन कर लेना है। इस अकाउंट को हमने ब्लॉक किया है, उसे चलिए यहाँ से हम लॉग इन कर लेते हैं। तो अब देख सकते हैं ये हमारा अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे मैसेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे, देख सकते हैं यही अकाउंट से हमने जो है उसे ब्लॉक किया था। देख सकते हैं यहाँ पे जो है उसका प्रोफाइल भी दिख रहा है, तो इससे हमें पता नहीं लग रहा है कि इसने हमें ब्लॉक किया है। यहाँ पे जब हम इसे मैसेज करेंगे, यहाँ से कुछ भी हम मैसेज करेंगे यहाँ पे, तो मैसेज भी यहाँ से ईजिली मैसेज जाएगा। तो चलिए हम इसका प्रोफाइल ओपन करके देख लेते हैं। तो जब हम यहाँ से इसका प्रोफाइल ओपन करेंगे तो अब देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसका हमें प्रोफाइल भी दिख रहा है, लेकिन पोस्ट फॉलोवर्स कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका क्या है पोस्ट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं उसका जो है यूज़र नेम हमें सिर्फ दिख रहा है। दोस्तों अब हमें कैसे पता चलेगा कि इंस्टाग्राम पे इसने हमें ब्लॉक किया है या अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया है, तो चलिए दोस्तों वो कैसे पता करना है हम आपको बताते हैं। और आपको अगर सामने वाला इंसान ब्लॉक कर दिया है तो उसका पोस्ट या फोटो या फॉलोवर्स कैसे देखेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपल जो है क्रोम वाले ऑप्शन पे चले जाना है। ये सभी के मोबाइल में होता है, आपके भी मोबाइल में क्रोम होगा। क्रोम में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे गूगल वाले ऑप्शन में चले जाना है। गूगल वाले ऑप्शन में जाएंगे और आपको यहाँ पे एक चीज़ टैप करना है, instagram.com, ठीक है। instagram.com टैप करने के बाद आपको जो है यहाँ पे स्लैश लगाना है। स्लैश लगाने के बाद जिसका भी अकाउंट का आपको पोस्ट देखना है या जानना है, इसका अकाउंट जो है अभी इंस्टाग्राम पे है या नहीं, या आपको किसी भी अकाउंट का फ़ोटो निकालना है, तो सिंपल जो है यहाँ पे आपको instagram.com, उसके बाद जो है यहाँ पे उसका यूज़र नेम डालना है। सिंपल आपको यूज़र नेम दिखेगा ऊपर में, तो यूज़र नेम डाल लेना है। तो जो भी यूज़र नेम होगा, चलिए यहाँ से जो है हम यूज़र नेम डाल लेते हैं, ठीक है। ठीक है, यूज़र नेम डालने के बाद उस सिंपल आपको जो है नीचे सर्च कर लेना है, ठीक है। जैसे ही सर्च मारेंगे अब दोस्तों यहाँ पे जो है उसका जो है प्रोफाइल खुल करके आ जाएगा। देख सकते हैं सिंपल जो है प्रोफाइल खुल करके आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं कितना पोस्ट है, कितना फॉलोवर्स है, कितना फॉलोइंग है,
उसके बाद देख सकते हैं जितना भी पोस्ट होगा वो सारा खुल करके आ जाएगा। आप जो है बिल्कुल ही ईजिली अगर किसी ने भी ब्लॉक भी कर दिया है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और दोस्तों एक बात बता दें, अगर सामने वाला इंसान अगर अपना अकाउंट प्राइवेट किए हुआ है, आप उसका प्रोफाइल तो देखेंगे, ये तो पता लगा पाएंगे कि वो इंस्टाग्राम पर है या नहीं, क्योंकि अगर इंस्टाग्राम पर होगा तो उसका प्रोफाइल आ जाएगा, लेकिन अगर उसका इंस्टाग्राम प्राइवेट होगा तो उसका पोस्ट आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, सिर्फ प्रोफाइल दिखेगा उसका। जो है यहाँ पर डैशबोर्ड आपको दिखेगा जो भी उसने यहां पे अपने डैशबोर्ड में लिखा होगा, लेकिन यहां पे आपको उसका पोस्ट या फोटो नहीं दिखेगा, यहां पे लिखा होगा प्राइवेट अकाउंट, ठीक है। तो दोस्तों प्राइवेट अकाउंट का पोस्ट या फोटो नहीं निकाल सकते हैं। और दोस्तों सामने वाला इंसान का अगर प्राइवेट अकाउंट नहीं है, दोस्तों इस अकाउंट को हम प्राइवेट से हटा दिए हुए थे, इसी वजह से हमें जो है पोस्ट फोटो दिख रहा है। तो दोस्तों इस तरह जो है बिल्कुल ही इजीली आप किसी भी ब्लॉक अकाउंट का आप पोस्ट निकाल सकते हैं, फोटो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू हेल्पफुल वीडियो के साथ।